साल 2022 के दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल मुंबई में आयोजित हुआ, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न कैटेगरी में प्राइज और पुरस्कार का वितरण किया गया। तो दोस्तों यहाँ पर साल 2022 का दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन जो हुआ वह मुंबई में हो गया और इसमें विभिन्न कैटेगरी में प्राइज डिस्ट्रीब्यूट किया गया। इसमें बहुत एक्टर एक्ट्रेस और साथ ही साथ अन्य लोगों को भी यहाँ पे प्राइज मिला है। तो इसके बारे में हम लोग जानकारी को देखते हैं और यहाँ पर मैंने आप लोगों को जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वही बता रहा हूँ और जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है उसी को यहाँ पे मैंने फोकस किया है। तो यहाँ पर आप लोग पूरी जानकारी को जरूर से जरूर देखिए क्योंकि यहीं से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो चलिए फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ यहाँ पर क्या है और क्या नहीं है, किसमें किस कैटेगरी में क्या मिला हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले बात करते हैं फिल्म ऑफ द ईयर। सबसे पहला जो है फिल्म ऑफ द ईयर यह मिला है पुष्पा द राइज मूवी को। तो यह पहला है फिल्म ऑफ द ईयर पुष्पा द राइज मूवी को, जिसमें अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना ने एक्टिंग किया हुआ है इस फिल्म में। तो यही है फिल्म ऑफ द ईयर। सर्वश्रेष्ठ फिल्म की बात करते हैं तो यह है शेरशाह मूवी और यह विक्रम बत्रा जो कि कारगिल युद्ध में हमारे जांबाज सिपाही सैनिक हुए थे तो इन्हीं पर बेस्ड है यह शेरशाह फिल्म। तो इसको मिला है सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रणवीर सिंह को मिला है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता 83 फिल्म के लिए, जो कि कपिल देव के बायोग्राफी पर बेस्ड है। तो 83 मूवी के लिए रणवीर सिंह को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला हुआ है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री यानी कि सर्वश्रेष्ठ एक्ट्रेस का जो है खिताब मिला है कृति सनन को और इनको यह मूवी मिमी के लिए मिला है, जिसमें जो है सेरोगेसी को दिखाया गया है यहाँ पर। तो मिमी मूवी के लिए कृति सनन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब यहाँ पर दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में मिला है। सहायक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, अब अगला जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो कि सहायक भूमिका में, तो यह मिला है सतीश कौशिक को और यह जो है कागज मूवी के लिए मिला है। सतीश कौशिक को सर्वश्रेष्ठ सहायक भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मिला है सतीश कौशिक। सहायक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात करते हैं तो यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में प्राइज मिला है लारा दत्ता को। तो ये लारा दत्ता को मिला है बेल बॉटम मूवी के लिए। तो बेल बॉटम मूवी के लिए लारा दत्ता को सर्वश्रेष्ठ भूमिका में जो है सहायक भूमिका में अभिनेत्री के रूप में मिला है। बेस्ट डेब्यू, तो ये जो है फिल्म इंडस्ट्री में बेस्ट डेब्यू के लिए प्राइज दिया गया है अहान सेट्ठी को और यह उनको जो मूवी है तड़प, तो तड़प मूवी के लिए अहान सेट्ठी को बेस्ट डेब्यू का पुरस्कार दिया गया है। दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर, तो इसमें जो है प्राइज दिया गया है सिद्धार्थ मल्होत्रा को और क्रिटिक्स बेस्ट एक्ट्रेस यानी कि क्रिटिक्स बेस्ट अभिनेत्री का जो खिताब मिला है वह मिला है कियारा आडवाणी को और ये जो दोनों हैं इनको शेरशाह मूवी के लिए ये प्राइज दिया गया है क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर और क्रिटिक्स बेस्ट एक्ट्रेस सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी को, जो कि शेरशाह मूवी में दोनों ने साथ में काम किया है। क्रिटिक्स बेस्ट फिल्म का पुरस्कार दिया गया सरदार उद्धम को, तो यहाँ पे क्रिटिक्स बेस्ट फिल्म जो पुरस्कार मिला वह मिला है सरदार उधम को, जो कि सरदार उधम सिंह के बायोग्राफी पर बेस्ड है। और अब यहाँ पे बात कर लेते हैं सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक, सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक का प्राइज दिया गया विशाल मिश्रा को। आप यहाँ पे देख सकते हैं विशाल मिश्रा को सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक का पुरस्कार दिया गया, साथ ही साथ सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका का प्राइज दिया गया कनिका कपूर को। तो कनिका कपूर को सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका और विशाल मिश्रा को सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक का खिताब दिया गया। इसके अलावा अन्य पुरस्कार भी दिए गए हैं लेकिन यहाँ पे जो मैंने बताया वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहीं से अधिकतर क्वेश्चन में पूछ जाते हैं तो इसी कारण से मैंने इसी को फोकस किया है। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप लोग आसानी से बना सकते हैं। तो दोस्तों साल 2022 के लिए दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल मुंबई महाराष्ट्र में आयोजित हुआ था, जिसमें से विभिन्न कैटेगरी में प्राइज दिया गया था और जहाँ से इम्पोर्टेंट है वो मैंने आप लोगों को बता दिया। फिल्म ऑफ द ईयर जो था वह पुष्पा द राइज मूवी है, जो कि बहुत ही ज़्यादा चर्चे में है अभी भी है और उसके अलावा जितनी भी जानकारी है वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो आप लोग लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी यहाँ से अगर क्वेश्चन पूछ जाते हैं तो वो जानकारी
वो हासिल कर ले यहाँ से और क्वेश्चंस को आसानी से बना सके। थैंक यू दोस्तों।